क्या আপনি इसको পেচানা আপনি এটা চিনতে পাচ্ছেন কি এটা হচ্ছে ওল ये अपना सुरन है तो अब सुरन को मैंने ऐसे फ्लैट पीसेस काट लिए हैं उसको अच्छे से धो लिया है और इसको ऐसे पतले पतले काटे हैं तो आज ये रेसिपी मैं शेयर करूंगी तो इसके लिए हमने इसको ऐसे काट के इसमें ये जो है इमली तेतुल तेतुल टा ऐते देवो आप चाहिए तो उसको पानी में भिगो के रख सकते हैं जले भिजिए रखते पारे नहीं तेतुलटाके तेतुल नून इमली बहुत जरूरी है तेतुलटा खूब दरकार तो एते दिए दिलाम नून और उसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी पाउडर हलुद गुड़ो दिए देवो और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे खूब भालो करे मिक्स करे ने अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसको ये इमली के साथ इमली को निचोड़ निचोड़ के इसको लगा दीजिए इमली से क्या होता है जो वो गले में ऐसे अजीब सा सेंसेशन होता है ना लगता है तो वो नहीं होता है तेतुल दिले परे वो जे गलाय कुछ कुछ करे से कुछ कुछ आर करबे ना मिक्स कर लिया है हमने इसको अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो मैं इसमें से दो तीन लहसुन से बनाऊंगी दो तीन टामी रोशन दिए बनाबो तो एटा के इसमें आप लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए लहसुन का पेस्ट देके उसको मिक्स करके मैरिनेट जैसा करके रख देंगे ये बहुत अच्छा लगता है एकदम जो लोग फिश खाते हैं उनको लगता है फिश फ्राई खा रहे हैं वैसा लगता है तो हमने इसको थोड़ी देर ऐसे रखना है अब कढ़ाई या पैन में आप ले लीजिए तेल कोई भी तेल यूज कर सकते हैं तो हमने तेल ले ली है इसको गरम करने देते हैं मैं पहले बिना लहसुन वाले डाल रही हूँ लहसुन छाड़ा एगुलो गरम तेले दिए दिलाम फुल आ जाए फुल स्पीड पे गैस फुल किया है फुल आ जाए इतना होते दीजिए अब उसको एक पलक पलटी मार देते हैं एक टर्न मेरे दी तो उल्टे दी दीजिए उसको अब इसको मीडियम फ्लेम कर देना है या सिम करना है एकदम मीडियम फ्लेम कर दिए नहीं तो सिम कर दिए और फिर इसके ऊपर छिड़काएंगे हम धनिया पाउडर ये जे एटार ऊपर एक टू धने गुड़ो हमरा दिए देंगे अल्प अल्प धनिया पाउडर मिक्स भी कर सकते थे मैंने थोड़ा धनिया पाउडर इसके ऊपर ऐसे फैला दी है अब इसको होने देते हैं एवरे इटा आस्ते आस्ते होते अपना इच्छा को ले एक तो ढके दीते पारे आपको इच्छा होगी तो आप थोड़ा ढक के भी कर सकते हैं तो वो नरम नरम हो जाता है ढके दिए को ले तो नरम नरम हो जाए आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर मिर्ची पाउडर या हरी मिर्च पेस्ट भी लगा सकते हैं
ইচ্ছে করলে কাঁচা লঙ্কা বেটে বা এরকম শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো একটুখানি দিতে পারে। আমি বেশি দিই না, অল্প একটু দিলাম, না দিলেও চলবে। পাঁচ মিনিটকে বাদ, পাঁচ মিনিট পরে এটাকে উল্টে দিই। इसको पलट देते हैं। पांच मिनट के बाद ये तो यूं ऐसे भी अच्छा लगता है, एमनी भेजे दिलो भालो लगे। अपना इच्छा कर ले अरे तो धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर ऐसे थोड़ा उसके ऊपर छिड़का दीजिए। धनिया पाउडर और आपको चाहिए तो मिर्ची पाउडर भी छिड़का सकते हैं, अगर आपको तीखा अच्छा लगता है तो। एक तो धने गुड़ो दिए दिलाम आबार उल्टो दिखे, अपनार इच्छे करले लंका गुड़ो बा लंका बाटाओ दीते पारे। एबारे आरो पाँच मिनट एटाके एमनी करे भाजबो, ऐसे फ्राई करते जाइए और पाँच मिनट। आपकी इच्छा हो तो आप थोड़ा ढक भी सकते हैं, अपना तातरी चाहिए जल्दी चाहिए तो आप उसको ढक दीजिए। ढके दिलम अस्सी में करीब पाँच मिनट के बाद ढक्कन खोल देते हैं, रखना का खुले दिलम पाँच मिनट करे। अब इसको किसी भी इसको ऐसे करके आप देख लीजिए कि ये पक चुका है कि नहीं। आप ऐसे कट भी मार सकते हैं, एकदम काट के तो दीते पारे, एकदम प्रेस करो देखे नहीं हो। देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है, हो गए प्राय, एरम करे एक टू काट मारते पारे, एर पर ऐसे कट भी मार सकते हैं। दोनों साइड रेडिश हो गया है, दुई दिकी हो गए लाल लाल। अब इसको फुल स्पीड कर देंगे, फुल आंच करे दें, फुल स्पीड करके हम इसको नीचे उतार लेते हैं गुलो के नामी में। देखिए हमने इसको उतार ली है, अब जो सेकंड राउंड था लहसुन वाले अभी डाल रहे हैं, लहसुन वाला जे गुलो वो दे दीजिए, एगुलो तो हो गए। सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। आप इसको फुल पानी का लेप भी लगा सकते हैं, जलेर एक मसला लगिए लेप दिए हो अपनी फ्राई करते पारे। तो इसको मैंने अभी ढक दिया है, सेम प्रोसीजर करके इसको भी कर लेते हैं। इटा क्यों करे, इसको मैं वही प्रोसेस पे कर रही हूँ, पहले फुल स्पीड किया था, अभी धुआं उठाने उठने के बाद उसको कम कर दिया। इटा आमी आगे अन्य प्रोसिजर दिए करछी, प्रथमे फुल करेछिलाम धुआं बेरोच्छे, एबारे सिम करे दिएछी। अभी पाँच मिनट ऐसे ही होने देते, पाँच मिनट होते दे, पाँच मिनट के बाद ओपन कर दिया। तो ये बन गया मेरा सुरन फ्राई, हमार ओल भाजा हो गेछे। से रसुन वाला गुलो एक कड़क भेजेछी, लहसुन वाले जो है वो कड़क मैंने फ्राई किए हैं, और ये शैलो फ्राई होगा, ये एटा फ्राई करबें कम तेले फ्राई करा होबे, बेशी तेले डीप फ्राई करबें ना, नाहले तेलटा एकदम खराब हो जाए। तो करे खान ओल भाजा, दारुण लगे डाल दिए, ओल भाजा दिए भात डाल और ये सुरन फ्राई और राइस, बहुत ही अच्छा लगता है, एडेड वेजिटेबल। बाय।